जो हक्का था कम से कम वो तो दे दो भाई। चुनाव आते तभी क्यों वो मुद्दा उठाया जाता है? अब भी वोटें आए, अभी फिर आगे बैठ गए। अब जब वोटें चली जाएंगे तब सब नॉर्मल हो जाएगा। 90% पॉलिटिक्स ही है। सारा वोटर बराबर था बट आधे बंदों को पता ही नहीं हम आए क्यों। क्या लग रहा भाई, जो 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं थोड़े टाइम में, और दूसरे जो किसान है वो बैठे हुए बॉर्डरों पे दिल्ली को घेर के, तो क्या लग रहा है असर पड़ेगा आपको 24 के चुनाव में? भाई 2024 के चुनाव के ऊपर असर ये पड़ सकता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, लहर तो जैसे कि सबको पता है बीजेपी की चल रही है, तो ठीक है मोदी सरकार की लहर चल रही है इस वक्त, ठीक है तो 2024 में कोई शक नहीं है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है कि मोदी सरकार आएंगी। हाँ कोई असर नहीं पड़ेगा इससे? देखिए असर तो पड़ेगा क्योंकि किसान लोग ही नहीं करेंगे तो पंजाब की तरफ से तो हारेंगे इलेक्शंस। अगर किसान लोग ही मना कर देंगे तो पंजाब की तरफ से तो इलेक्शंस हारेंगे, सच्चाई है, तो पंजाब की तरफ से लॉस होगा ना। अगर यूपी वाले भी साथ में जुड़ गए और उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो यूपी से भी शायद से इलेक्शन आ सकते हैं, ठीक है तो ये तो चलेगा। अच्छा किसानों को बार बार बातें उठाई जा रही है कि जो किसान है किसान नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बैठे हुए हैं। भाई पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं है, देखिए अभी तक उनकी पहले मांगे पूरी कर दी थी, ठीक है कुछ मांगे पूरी कर दी थी तो वो लोग चले गए थे कि चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था उन लोगों ने, पर अब दोबारा से उनकी जो मांगे हैं उनको ले लिया गया वापस। जो हक्का था कम से कम वो तो दे दो भाई, हक की चीज़ें भी तुम लोगों ने वापस ले ली। ये सारा ही पॉलिटिकल है, बीजेपी के विरोध में खड़े हुए हैं ये, ठीक है। बीजेपी सबसे राम मंदिर बना के 101% वोट उन्हीं की है, इसलिए ये मुद्दा उठाया है। हमेशा ये बताओ मुझे, हमेशा पॉलिटिकल, जब भी पॉलिटिक्स आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं तभी क्यों मुद्दा उठाया जाता है? उनको पता है कि हाँ उनको डर है बीजेपी आएगी इस बारी, क्योंकि एक तो राम मंदिर बना दिया, एक काशी विश्वनाथ बना दिया, इसलिए सारी वोट ही सारी हिंदुओं की, सारी वोट ही बजरंग दल की, सारी बीजेपी को है, इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए ये मुद्दा उठाया। इसलिए ये सारा ही पॉलिटिकल है, ठीक है, सारा ही पॉलिटिकल है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उनके ये नहीं पूरा किया, इनका ये पूरा नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये अब मुझे ये बताओ, पिछले साल भी यही हुआ था, ठीक है, पिछले साल भी एक साल पूरा लगा रहा, ठीक है, जब भी वोटें आई तब उठ के कैसे चले गए? अब मुझे बताइए, अब भी वोटें आई, अब भी फिर आगे बैठ गए, अब जब वोटें चली जाएंगे तब सब नॉर्मल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पूरा हो वो नहीं पूरा हो, हाँ कुछ मांगे हो सकती है नहीं पूरी होगी, बट हाँ 90% ये पॉलिटिक्स है, 90% पॉलिटिक्स ही है, बीजेपी ही आएगी 2024। नहीं ये वाली बात तो है कि हाँ ठीक है बीजेपी आएगी 2024 के इलेक्शन में, पर किसानों वाला पॉलिटिकल एजेंडा मैं ये वाली बात को ठीक है 50-50% मान सकते हैं कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी के भी उसके लोग घुसे हुए हैं, जिन लोगों ने शुरुआत करी है धरना देने की और ये सब, ठीक है, पर ये वाली बात है कि पॉलिटिकल एजेंडा है इसके अंदर, पर 50-50% बोलेंगे। ये भी नहीं, पिछली बार वोटें हुई, ठीक है, वोटों से पहले ये बैठे रहे, वोटें होते साथ ही क्यों भाग गए ये, वोटें होते साथ ही क्यों बॉर्डर खोल दिए गए, आप मुझे ये बताइए। वो तो यार उनकी मांगों को ले लिया गया था ना कि हाँ ठीक है आप लोग, वो तो जनता का है ना, वो तो जनता को पता है। आपने न्यूज देखी नहीं? आपने दिल्ली आके देखा नहीं? फिर आप कैसे कह सकते हो कि हाँ उनकी मांगे पूरी हो गई? देखो न्यूज की अगर हम बात बताएं तो न्यूज तो सारे देखो पॉलिटिकल एजेंडा, न्यूज चैनल्स तो पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर ही चल रहे हैं अगर सही बताऊं तो। आप न्यूज या आप किसी भी पंजाब में जाके किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, किसी भी 5-7 बंदों से पूछ लो कि हाँ भी बताओ पिछली बार क्या था, कौन सी मांगे थी, किसी को नहीं पता होगा, सारे वेले थे, सारे जाके बैठ के किसी को ये नहीं पता कि मुद्दा क्या, किसी को नहीं, सारा बॉर्डर भरा पड़ा था बट आधे बंदों को पता ही नहीं हम आए क्यों हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हाँ ये मुद्दा, ये इस बार भी कई ऐसी वीडियोस आई लोगों से पूछा क्यों बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है क्यों बैठे, बस बैठे हुए। तो देखिए अगर जैसे कि वो था NRC और CA के टाइम के अंदर हुआ था कि हाँ ठीक है लोग दंगा कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि दंगा कर क्यों रहे हैं, मांगे क्या हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है इसके अंदर, हाँ भेड़े आकर के मिल गई है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सब लोग आकर उनको पॉलिटिकल एजेंडा है कि क्या है ये नहीं पता कि हाँ आकर के बैठ गए हैं, जुड़ गए हैं आंदोलन के साथ में। हाँ यही बात तो भाई ने सही कही है कि आंदोलन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, बस आकर के जुड़ गए हैं जी। भर भर के आ जाते हैं लोग, किसी को कुछ नहीं पता है क्यों, फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपको पता फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा फंडिंग आपको? जी देखिए सिखी लोग सिखों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, फंडिंग आप ये तो बोलेंगे नहीं कि सरकार की तरफ से आ रही है, हाँ वो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जो 50% जाके मिल गए होंगे उसके अंदर उन लोगों को सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा होगा, उन लोगों को सरकार की तरफ से फंडिंग मिल रही होगी। पर अगर सिखों की बात करी जाए, जो लोग
जो लोग मेनली बैठे हुए हैं जाकर के सीरियस होकर के बैठे हुए हैं, उन लोगों को तो फंडिंग देखिए सरकार की तरफ से नहीं आ रही है, उनको सिख ही सिख की मदद कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का है इसमें, फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग भी है, बट घुमा फिरा के सारा पॉलिटिक्स ही है, ठीक है, सारा ही पॉलिटिक्स है। बात तो सच्चाई है, सरकार तकैत वगैरह सिख भी वही मदद करते हैं जहाँ पे सच्चा हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में कोई सिख सुख नहीं काम आता, ठीक है। देखिए तकैत वगैरह भी ये सब लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर, तो ये तो पॉलिटिकल एजेंडा तो है उसके अंदर, क्यों बीजेपी को हटाने के लिए हो रहा है, नहीं क्यों उनको आगे चल के नेतागिरी के अंदर कदम रखना है, साफ सीधी बात है, उनको उनको अपनी टिकट चाहिए, नेता अपनी राजनीति तुष्टिकरण की अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, किसानों को बहका जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सारा किसानी को बहकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता मुद्दा क्या है, मुद्दा बस ये मुद्दा उठाई जा रहे हैं, न्यूज बन के मुद्दा उठाई जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स जाएंगी और सारा नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।